हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं किचन में मटर और मशरूम की सब्जी। तो रेसिपी जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलो दिखाते हैं आपको अपने हमारी मटर पनीर की सब्जी। यहाँ पर लिया है मैंने एक पैकेट मशरूम, एक कटोरी मटर, चार पाँच हरी मिर्ची, दो टमाटर और एक प्याज। चलो बनाते हैं। सबसे पहले हमें बॉईल करना है मटर को। यहाँ पर मैंने काट लिया है टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। इसका बनाएंगे हम एक अच्छा पेस्ट। मटर हो चुकी हैं बॉइल्ड। मैंने उनको अच्छे से बॉईल किया है क्योंकि बहुत मोटी मोटी थी। सबसे डाल देंगे, पहले डाल देंगे ऑयल, उसके बाद डाल देंगे जीरा। जीरा डालने के बाद डाल देंगे, इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। प्याज हो चुके हैं हमारे ब्राउन, अच्छे से डाल देंगे लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। इसके बाद डाल देंगे नमक। नमक डालने से जो टमाटर अच्छे से पक जाते हैं, फिर ऐड करेंगे जितना हल्दी नमक मिर्च मसाले। इसके बाद डाल देंगे अपना हल्दी नमक मिर्च मसालों का पेस्ट जो मैंने दही में बनाया है। थोड़ा और पानी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है। इसमें ऐड कर देंगे मटर और फिर ऐड कर देनी है मशरूम। अब इसको ढककर 4 से 5 मिनट तक हमें पकाना है। सब्जी हो रही है हमारी अच्छे से बॉईल।